पानीपत जिला के गांव शिमला मोलाना के निवासी व टैक्सी चालक की बेटी विंका ने मंगोलिया में हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मात्र 17 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर माता पिता व गांव का नाम रोशन किया है। यह बॉक्सिंग चैंपियनशिप मंगोलिया में 10 से 17 नवंबर तक चली थी। जीत के बाद गाँव वापस लौटने पर ग्रामीणों ने विंका का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि विंका एक निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं, जिनके पिता पेशे से एक ऑटो चालक हैं। वहीं विंका की माता एक गृहिणी हैं और विंका की बहन हॉकी खिलाड़ी हैं और विंका बॉक्सिंग में अपना जोहर दिखा रही हैं। सर, ये मंगोलिया हुई थी, वहाँ पे एशियन अलबतर में एशियन थी, वहाँ पे यूथ एशियन मैन वुमेन, वहाँ पे मेरा 64 kg में गोल्ड आया है। इसके साथ कंपटीशन था और... सर मेरा क्वार्टर फाइनल ताइपाई के साथ था, सेमीफाइनल मेरा कजाकिस्तान के साथ और फाइनल मेरा चाइना के साथ था। कितने सालों से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं? सर मुझे 5 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। सबका योगदान है, मेरी फैमिली, मेरे कोच, मेरे गांव, सबका योगदान है कि मैं यहां तक आई, उनकी वजह से ही पहुंची मैं यहां तक आज। अभी हमारे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें भी गोल्ड लेके आऊँ। क्या आइए जी, आप क्या काम करते हो? टैक्सी चलाते हो। बेटी की सफलता पर क्या कहना आपको? वो इसकी मेहनत है जी, गाँव वालों की, वो हमें दया जी, इसकी मेहनत है लड़की की जी। बेटी ने पूरे देश का और जिले का नाम रोशन किया है, क्या कहना है? क्या बहुत बड़ी खुशी हुई है जी। आपके दूसरे बेटे भी खिलाड़ी है? हाँ जी, वो हॉकी में आज अमृतसर है जी, हॉकी अकेडमी में जी। ज़्यादातर इसको खेल ही पसंद है, लेकिन पढ़ाई भी करी है जी, हमें BA फर्स्ट ईयर में होगी है जी। इसका सपना क्या अगला? ओलंपिक जीतना जी, देश के लिए गोल्ड मेडल। आप गामराम की बेटी है, बस यू ही इतना बहुत है भाई, आशीर्वाद बहुत मिल गया। मैं क्या कहना चाहूँगी, बस यही है। कितने घंटे की प्रैक्टिस? 3-3 घंटे की प्रैक्टिस करती है, सवेरे भी शाम को भी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? कॉलेज में है। क्या नाम आपका? सरला। प्रैक्टिस करती थी, क्या मेहनत? विंका ने बहुत मेहनत की है और मैंने इनकी फाइनल बाउट देखी है, उसमें वो लड़की बहुत लंबी थी पर इसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है और बहुत ही मेहनत की है, जब जाके ये गोल्ड आया। कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करती है? ये 3 घंटे सुबह और 3 शाम को, और इसमें मैंने ट्रेनिंग करवाई है। मेरे बाद इनकी चीफ कोच है मनप्रीत मैडम जी और हमारे चीफ कोच साहब है भास्कर भट्ट, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अगले किस गेम के लिए तैयारी करवा रहे हैं? आगे अगले साल नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और हमें उम्मीद है कि ये गोल्ड ही लेके आएगी। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।